आओ लश्कर के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने होटल पर हथौड़ा चलाया तो मौके पर हंगामा शुरू हो गया। देखिए बनारस कोठी के मालिकों ने कैसे हंगामा किया है। होटल बनारस कोठी पर चला प्रशासन का हथौड़ा। कार्रवाई देख बिगड़ी मालिक की हालत। होटल मालिक और एडीएम सिटी में नोकझोंक। एडीएम सिटी ने होटल मालिक को मारी सिर से टक्कर। सबसे पहले ये 5 तस्वीरें देखिए। ये हंगामा और ये बवाल और सिर से टक्कर मारने की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। यहाँ बीबीए की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ। अब आइए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल वाराणसी के बनारस कोठी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बीबीए के अफसरों ने होटल को सील किया था, लेकिन शनिवार सुबह जब पुलिस ने होटल खाली कराया और तोड़फोड़ शुरू की तो हंगामा होने लगा। नब्बे कमरों वाली बनारस कोठी के 5 मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए 5 बुलडोजर लगाए गए तो देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। जब होटल मालिक खुर्शीद आलम ने बीडीए की कार्रवाई का विरोध किया तो मौके पर मौजूद एडीएम सिटी आलोक कुमार ने सिर से टक्कर मार दी, जिसके बाद होटल के मालिक खुर्शीद आलम के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद सपोर्ट में करीब 100 लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। होटल हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई के नाम से है। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना अब उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के मुताबिक होटल को वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में बनाया गया है। 8 साल पहले भी होटल को सील किया गया था, इसके बावजूद होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा। बाकायदा यात्रियों की बुकिंग भी होती रही। शनिवार सुबह बीडीए की टीम बनारस कोठी होटल पहुंची तो होटल के मालिक मोहम्मद जाफर खान की बीडीए अफसरों से बहस हो गई। बात करते हुए वो बेसुध हो गए। होटल के स्टाफ ने जैसे तैसे संभाला और देखते ही देखते होटल के अंदर बीडीए ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीडीए वरुणा क्षेत्र में संचालित बनारस कोठी के बिजली कनेक्शन पहले ही कटवा चुकी है। बीडीए का आरोप है कि होटल के मालिक ने बनारस कोठी को बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण कराया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी ना तो निर्माण रुका और ना ही होटल की बुकिंग। देखिए ये होटल जो है ये कई समय से यहाँ पे इलीगल होटल चल रहा था। इसका नक्शा जो है इन्होंने आवासीय पारित कराया था G+2 का एक ही प्लॉट में, लेकिन मल्टीपल प्लॉट्स को मिला के 20, 21, 22, 23, 24 5 प्लॉट्स को मिलाकर जो है इलीगल होटल और बड़े स्केल पे चलाया जा रहा था। 90 कमरे हैं दोनों होटल्स को मिलाकर। इनके विरुद्ध पूर्व में भी डेमोलिशन ऑर्डर जारी किया जा चुका है। 2016 में भी इन्होंने उसमें कमिश्नर सर के यहाँ अपील किया, शासन में भी अपील किया, हाईकोर्ट में भी अपील किया। मल्टीपल जगह से इनकी जो सभी अपील्स हैं वो सभी प्रकार की अपील्स खारिज हो चुकी हैं और इनको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के मुताबिक वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर एरिया के डूब क्षेत्र में बनारस कोठी बनी है, जबकि डूब क्षेत्र में होटल के निर्माण के लिए एनजीटी ने रोक लगा रखी है और साल 2015 में होटल सील भी किए गए थे। 2019 में इनका अंतिम ऑर्डर हो चुका था। 2019 में हाईकोर्ट शासन सभी स्तर से इनका अंतिम ऑर्डर हो चुका था। कई सालों से जो है ये इलीगल चला रहे थे, इनको बार बार बताया जा रहा था बट नहीं इनके द्वारा रोका जा रहा। धर्म को देखकर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साफ उसमें स्पष्ट ऑर्डर्स हैं और वो लीगल ऑर्डर्स हैं। जहां भी इस प्रकार के मैटर्स और मिलेंगे वहां पर भी इस प्रकार की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं होटल संचालक ने बीडीए पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और बीडीए के नियमों के तहत निर्माण किया गया बताया गया। होटल के मालिक ने बीडीए की कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। बस आपको समय नहीं दिया गया? नहीं, हमको एक तो समय नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान है इस पेड़ के अंदर, इस स्टेट के अंदर। और हमारे यहाँ हम साल में 12-13 भागवत कथा और शिव पुराण होती है। हम बहुत ही कम पैसे में भागवत कथा शिव पुराण कराते हैं और लोग गुजरात से आते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया, जिसकी हम लोगों ने नोटिस भी हमको दिया क्या। और लाइन काटना, बिजली काटने के बाद 23 तारीख को नोटिस दे रहे हैं और 21 तारीख को लाइन और पानी काट दिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण और होटल के मालिक के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यूपी में योगी सरकार का संदेश साफ है, अगर नियमों की अनदेखी होगी तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट।